अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैम की ड्रीम्स। आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे आसान, सबसे क्रिस्पी, झटपट बनने वाली स्पेशल डिश वेज स्टफ सैंडविच, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है बिल्कुल 10 मिनट में। चलिए हम इसको बनाना फटाफट से शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 कप यानी 2 मीडियम साइज फाइन चॉप्ड, इसको अच्छे से सॉटे कर लें, हल्का सा गोल्डन होने दें। इसके बाद हम सब्जी ऐड करेंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ कैप्सिकम 1/2 कप फाइन स्लाइस्ड, कैरेट 1/4 कप फाइन ग्रेटेड, इसको हल्का सा सॉटे कर लें यानी मिक्स कर लें। सब्जी को ज़्यादा पकने ना दें, बस 1 मिनट के लिए हम सब्जी पकाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 3/4 टीस्पून, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट का स्मेल ना रहे। इसके साथ हम ऐड करेंगे टमाटर। मैं यहाँ ली हूँ 1 मीडियम साइज टमाटर, इसको मैंने फाइन चॉप्ड किया है, इसको भी मिक्स कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। इसके साथ हम ऐड करेंगे चिली पाउडर। चिली पाउडर मैं यहाँ ली हूँ 1/2 टीस्पून। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी सब्जी। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया मैं ली हूँ 3 टीस्पून यानी छोटी 1 कटोरी फुल, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस हम इसको 1 मिनट पकने देंगे। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये बनके तैयार हो गई है हमारी स्टफिंग। अब हम ब्रेड पे बटर लगा लेंगे। बटर को हम एक साइड ही लगाएंगे। अगर आपको बटर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी बढ़िया टेस्ट लगेगी हमारी सैंडविच। सारे ब्रेड पे मैं बटर अप्लाई कर चुकी हूँ, अब स्टफिंग करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी स्टफिंग। एक सैंडविच तो तैयार हो गया, अब हम दूसरी स्टफिंग भी ऐसे ही कर लेंगे। ये दूसरा भी तैयार हो गया। अब हम इसको ग्रिल सैंडविच मेकर में कुक करेंगे। अगर आपको इससे भी आसान तरीका चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसको सैंडविच मेकर में ट्रांसफ़र कर दें। अब हम इसको क्लोज कर लें, क्लोज करके इसका लॉक कर दें।
अब हम इसको ऑन करेंगे। इसका लाइट ऑन हो चुका है, रेड लाइट। जब तक ये लाइट ऑन है तब तक हम इसको पकने देंगे। अगर आपको जल्द ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हैं। मुझे क्रिस्पी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने लाइट ऑफ होने तक का इंतज़ार किया। अब हम ओपन करेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी बढ़िया बना है हमारा वेज सैंडविच। मुझे ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है। ये देखिए मैंने सॉस के साथ सर्व किया है, बहुत ही बढ़िया बना था फ्रेंड्स। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।